बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हम कैलकुलस के अंदर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द रोल्स थ्योरम। कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री में रोल्स थ्योरम जो है आपके चैप्टर नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने अप्लाई करना है रोल्स थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल रोल्स थ्योरम है क्या और ये किस तरह से अप्लाई करते हैं, और इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? जी इसकी स्टेटमेंट है कि जी किसी भी फंक्शन के ऊपर आपने रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपके पास सपोज करें कि एक फंक्शन है एफ, और ये फंक्शन जो है सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 3 कंडीशंस, और ये तीन कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दिस कि दिस फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। सपोज करें कि ए और बी कोई से दो रियल नंबर्स हैं, और आपका ये जो फंक्शन है जी आपका ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है। एंड सेकेंडली इज दिस, सेकेंड कंडीशन इज दिस कि आपका यही फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है इसी इंटरवल पे, बट ये ओपन इंटरवल है। पहले ये इंटरवल क्लोज था बट ये इंटरवल अब ओपन है। थर्ड कंडीशन इज दिस कि इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ए और बी, इन दोनों के ऊपर आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करें। आप फॉर एग्जांपल जो भी फंक्शन आपके पास मौजूद हो उस वक्त का एफ ओ फिक्स, उसमें जाएं और ये एंड पॉइंट्स इस इंटरवल के वन बाय वन पुट करें। पहले आप एंड पॉइंट ए पुट करें, फिर आप एंड पॉइंट बी पुट करें, और फिर आप चेक करें कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का आंसर क्या है। अगर तो इन दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का आंसर जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम आ रही है, जैसे कि एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ ओ बी, तो फिर ये फंक्शन जो है आपकी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये तीनों कंडीशंस वन बाय वन अगर किसी फंक्शन के ऊपर सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर हम ये कहते हैं कि देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तब एक पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इस इंटरवल में, ये जो भी इंटरवल इस वक्त डिस्कस हो रहा है ए से बी तक का इंटरवल, फर्स्ट कंडीशन में ये क्लोज इंटरवल यूज़ हो रहा है, और सेकंड कंडीशन में डिफरेंशिएबिलिटी में इसको हम ओपन इंटरवल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और तो इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट, और साथ में एटलीस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया कि एटलीस्ट एक पॉइंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर एक इंटरवल बना के दूँ, जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो ए से बी अगर मैं कहूँ कि नंबर लाइन के ऊपर कितने पॉइंट ए से बी के दरमियान है, तो ये इन्फिनिट पॉइंट्स ए से बी के दरमियान, रियल नंबर्स इन्फिनिट है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, अगर ये तीन कंडीशन किसी फंक्शन ने सेटिस्फाई कर ली तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ए से बी इंटरवल के दरमियान कम अज़ कम एटलीस्ट एक आपको सी पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा। ए इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट का वर्ड इस्तेमाल करने का, कि आपको एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, और वो पॉइंट सी किस तरह के होंगे जो ये खास कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब वो पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपको मिल गया सी वन, एक पॉइंट आपको मिल गया सी टू, एक पॉइंट आपको मिल गया सी थ्री। बताने का मकसद ये है कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम अज़ कम एक भी हो सकते हैं, और ये एंड पॉइंट्स में से नहीं होंगे, तभी तो यहाँ पे इंटरवल ओपन रखा गया। सी स्टैंड्स फॉर एनी पॉइंट्स बिटवीन द बाउंड्री पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के दरमियान कोई पॉइंट है, ए सी ए नहीं हो सकता और सी बी भी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे इंटरवल को ओपन रखा गया बताने के लिए कि सी ए और बी के दरमियान सेंटर में से कोई पॉइंट है, यानी कि इनके बीच में से कोई पॉइंट है। ए और बी, सी ए नहीं हो सकता, सी कांट बी इक्वल्स टू ए एंड सी कांट बी इक्वल्स टू बी। अच्छा जी, सी की सिलेक्शन हो गई, तो एटलीस्ट कम अज़ कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होगा। देखिए डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन का लिया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। जैसे कि डेफिनेशन, डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी फंक्शन का अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एफ ऑफ एक्स है, जस्ट एफ ऑफ एक्स को अगर मैं ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, रफली मैं आपको थोड़ा सा इमेज दे रही हूँ, और इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपने, और इस पॉइंट का नाम है जस्ट रख दें एक्स वन, इस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है,
तो इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब ये जो आपका यहाँ से मैंने शुरू किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर जब आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की तो इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल्स टू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स वन। इस एक्स वन पॉइंट के ऊपर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस टेंजेंट की जो स्लोप है बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन में वैसे भी आपको जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ते हैं उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे स्लोप इट्स मीन टू बी दिस कि एक पॉइंट सी आपके पास ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे फंक्शन की जो जब हम डेरिवेटिव ड्रॉ करेंगे, सॉरी जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे टेंजेंट की जो स्लोप है वो ज़ीरो होगी। किसी भी लाइन की स्लोप अगर ज़ीरो हो जाए तो वो लाइन जो है वो पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के। ये बात याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस की स्लोप जो है, एक्स एक्सिस की स्लोप हमेशा ज़ीरो होती है, स्लोप इक्वल्स टू ज़ीरो। और जिस भी लाइन की स्लोप अगर ज़ीरो है तो वो पैरेलल होगी डेफिनेटली एक्स एक्सिस के साथ। और वाई एक्सिस की जो स्लोप है, वाई एक्सिस की स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये दो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप ज़हन में रख लें। तो अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की ऊपर बनाए जाने वाले टेंजेंट की स्लोप ज़ीरो है। और अगर उस टेंजेंट की स्लोप ज़ीरो है उस पॉइंट के ऊपर, मीन्स वो लाइन जो है, वो जो टेंजेंट लाइन उस पॉइंट के ऊपर आप ड्रॉ करेंगे वहाँ पे वो पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। तो ये सीन कैसा बनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, सो ये देखिए जी, मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका कर्व जो है वो ऐसे है, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट है आपके पास ए और ये पॉइंट है आपके पास बी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो फिर इस ए के करिस्पॉन्डिंगली जो ये पॉइंट आ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, दिस इज़ कॉल्ड द एफ ऑफ ए। और इसी तरह से इस B पॉइंट के करिस्पॉन्डिंगली जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एफ ऑफ बी। आप ये देख रहे हैं कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए आपके पास बराबर है, ठीक है। मतलब आपके पास ये हाइट जो है यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है, दिस इज कॉल्ड द एफ ऑफ ए। और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है, दिस इज कॉल्ड द एफ ऑफ बी। अब आप ये देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों जो है वो हाइट में बराबर हैं, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करें कि आपकी फर्स्ट टू कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होती हैं, ये फंक्शन डिफरेंशियबल भी है और कंटीन्यूअस भी है इस इंटरवल के ऊपर, और साथ में थर्ड कंडीशन जो है एफ ऑफ ए आपके एफ ऑफ बी के बराबर आ गई। अब आप इसमें देख रहे हैं कि आपका कर्व जो है, जो मैंने ड्रॉ किया, इसके दरमियान ए से बी के दरमियान एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सी पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट के ऊपर जो आपका फंक्शन है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी पॉइंट, एफ ऑफ सी है ये, ठीक है। अगर मैं इसे वर्टिकली यहाँ से लोकेट करूँ तो दिस इज़ एफ ऑफ सी, ठीक है। तो एफ ऑफ सी पे आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इस सी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो दिस टेंजेंट इट्स हॉरिजेंटल टेंजेंट, यानी कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के साथ उसकी स्लोप जो है वो ज़ीरो होती है। तो इस पॉइंट पर मैं बड़े आराम से कह सकती हूँ ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास, ये आपके पास मैंने यहाँ पे बताया कि दिस पॉइंट इज़ एफ ऑफ सी, तो ये आपके पास जो वर्टिकल ड्रॉ हुआ है दिस इज़ एफ ऑफ सी, ठीक है। तो इसकी, इस लाइन की जो स्लोप बन रही है वो स्लोप क्या बन रही है, सी के ऊपर इसकी स्लोप बन रही है ज़ीरो। यानी कि अगर इसकी इसका डेरिवेटिव, स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव, सी पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल आता है एक्स एक्सिस के साथ और उसकी स्लोप ज़ीरो होती है। अब यहाँ पे इस, ये कर्व नॉट नेसेसरी कि कनकेव डाउन हो, ये कनकेव अप भी हो सकता, फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ए पॉइंट है, इसी तरह से यहाँ से ये नीचे ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है ये देखें ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसको आप ले रहे हैं एफ ऑफ ए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है एफ ऑफ ए, ठीक है, दिस इज़ एफ ऑफ ए। और इसी तरह से अगर आप वर्टिकली बी पे जाते हैं तो ये डिस्टेंस एफ ऑफ बी है, यहाँ पे आपको सेम हाइट पे दोनों नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ ए यहाँ पे बराबर है एफ ऑफ
बी के, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान आपको यहाँ पे एक पॉइंट सी ज़रूर नज़र आएगा, ये सी पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट सी है। तो ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल, दिस इज़ कॉल्ड द एफ ऑफ सी, ठीक है, इसके करिस्पॉन्डिंगली। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट लाइन आपको नज़र आ रहा है कि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये पैरेलल एक्स एक्सिस के साथ है तो फिर इसकी स्लोप ज़ीरो है, मींस इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो चाहे ये कर्व जो है आपका कनकेव डाउन हो, चाहे कनकेव अप हो, दोनों सूरतों में ये पॉसिबल है। अच्छा, तीसरा जो हमने पढ़ा था स्टेटमेंट में, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे भी इस केस में भी एक पॉइंट मैंने आपको दिखाया, इस केस में भी मैंने एक पॉइंट दिखाया। अगर ये कर्व आपके पास ज़्यादा, मतलब आपके पास कर्व जो है इस तरह से हो, ज़्यादा टर्न कर रहा हो इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, अगर आपकी ये टर्निंग ज़्यादा हो तो फिर आप ये देख सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट्स अगर आपके एक से ज़्यादा हैं तो फिर ये सी पॉइंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, मैंने एक और ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है। इसके करिस्पॉन्डिंगली आप ये देख सकते हैं दिस इज़ एफ ऑफ बी, एंड इसके करिस्पॉन्डिंगली ये आप देख सकते हैं दिस इज़ एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की हाइट जो है वो तकरीबन आपको यहाँ पे सेम नज़र आ रही हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम ये देखिए जी, मैंने इसको थोड़ा सा करेक्ट किया, ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एफ ऑफ बी है, दिस इज़ एफ ऑफ बी, अब आप ये देख रहे हैं एंड दिस इज़ एफ ऑफ ए, ठीक है। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की हाइट जो है वो तकरीबन सेम है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए आपको एफ ऑफ बी के बराबर नज़र आ रहा है। अब ये चूँकि इसमें दो कर्व्स हैं, एक कर्व के अंदर दो टर्निंग्स हैं, एक अपवर्ड से डाउनवर्ड है और एक डाउनवर्ड से अपवर्ड है, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा अगर इसको इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स मिल रहे हैं बीच में, यानी कि यहाँ आपके पास ए है और ये आपके पास यहाँ पे बी है, ए से बी के दरमियान आपको दो पॉइंट मिल रहे हैं। एक पॉइंट आपके पास यहाँ है, ये इसको सी वन कहते हैं, और एक पॉइंट इसके करिस्पॉन्डिंगली सी टू है। सी टू पे भी अगर आप जब आप सी टू पॉइंट के करिस्पॉन्डिंगली यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, वो टेंजेंट भी आपका एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल आता है, और सी पॉइंट सी वन पॉइंट के करिस्पॉन्डिंगली भी जब आप टेंजेंट बनाते हैं इस कर्व के ऊपर तो वो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल आता है। अब यहाँ पे कम अज़ कम आपको ये पता चल गया कि सी वन के ऊपर भी, तो वो जो एटलीस्ट का वर्ड था वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे C2 के ऊपर भी F प्राइम C2 ये भी आपके पास ज़ीरो है। तो आपके पास दो पॉइंट्स, ये जो एटलीस्ट का वर्ड है आपको समझ लग गया होगा कि एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं अगर आपका कर्व जो है एक से ज़्यादा दफ़ा टर्न कर रहा है फॉर एग्जांपल, और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, जैसे यहाँ से शुरू हो के ये एक से ज़्यादा दफ़ा भी टर्न कर रहा है तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब इनिशियल पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट पे अगर उस पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो आपको यहाँ पे इस केस में वन टू और थ्री पॉइंट्स मिल गए जो कि सी का कैरेक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़, ये थ्योरम जो है बेसिकली आपको ये बताता है कि किसी भी इंटरवल के ऊपर अगर आपका कोई फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन कॉन्टीन्यूस और डिफ्रेंशियबल है और साथ में थर्ड कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर उस इंटरवल के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिस पॉइंट पर डिफरेंशियबल डिफ्रेंसीशन जो है उस फंक्शन की ज़ीरो, मीन्स जो पॉइंट जिस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो बिल्कुल हॉरिजेंटल टेंजेंट होता है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो ये इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंशाल्लाह देखते हैं कि किस तरह से रोल्स थ्योरम की अप्लीकेशन है। क्वेश्चन के ऊपर हमारी एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन हैं कि अप्लाई करना है जी रोल्स थ्योरम, और उस पर फिर देखेंगे कि किस तरह से रोल्स थ्योरम को अप्लाई किया जाता है।